डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो जी प्रोटीन्स पर होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहले हम इसका पॉजिटिव एजेंट कि ये स्प्रेड किसके थ्रू होता है, ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड विब्रो कोलरा। विब्रो मीन्स कोमा शेप, सो इसकी जो शेप होती है वो कोमा शेप होती है, कर्व होती है। सो विब्रो कोलरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। और ये बैक्टीरिया मोस्टली स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड्स थ्रू फूड दैट इज कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसेस, राइट। सो जो स्लम्स में जो यू नो पुअर हमारी पॉपुलेशन है वो मोस्टली इसे अफेक्ट होता है। फिर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये ए बी फाइव टॉक्सिन है। ए बी फाइव का मतलब ये है कि इसके टोटल सिक्स सब यूनिट्स होते हैं। वन इज द ए सब यूनिट जो कि मैंने ब्लैक से शो किया है, और फाइव इसके बी सब यूनिट होते हैं। अब इन सब यूनिट्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ए सब यूनिट है, दैट इज ए स्टैंड फॉर एक्टिव, और बी स्टैंड फॉर बाइंडिंग। तो जो बी सब यूनिट है वो बाइंडिंग में हेल्प करता है, जबकि ए सब यूनिट है ये मेन टॉक्सिक सब यूनिट है, यानी जो मेन रोल प्ले करना है वो इस ए सब यूनिट रोल प्ले करना है। अब हम इस ए सब यूनिट को फर्दर जब हम जूम आउट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, तो ये हमारे पास दो डोमेन्स पर मुश्किल होता है। इसके फर्दर टू डोमेन्स होती है, ए वन डोमेन और ए टू डोमेन। ये जो ए वन डोमेन है और ए टू डोमेन है, इनके फर्दर हम फंक्शंस जब डिस्कस करते हैं, तो ए वन और ये जो दोनों डोमेन्स हैं ए वन और ए टू डोमेन, ये लिंक्ड होती हैं थ्रू बेसिफाइड फॉर्म। ए वन इज टॉक्सिक, और जबकि ए टू है ये हमारे पास बाइंड करता है होल सब यूनिट को विद द बी सब यूनिट, राइट। बी सब यूनिट ने बाइंड करना है रिसेप्टर्स के साथ, जबकि ए टू सब यूनिट में बाइंड करना है इस ए वन सब यूनिट को विद सॉरी ए सब यूनिट को विद बी सब यूनिट्स। सो ये इसका फंक्शन है बाइंडिंग, राइट। अब हम कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया आया विब्रो कोलरा, इसने एंडोटॉक्सिन रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड द कोलरा टॉक्सिन, ठीक है, AB5। अब इसके रिसेप्टर्स ये मैंने जो सर्च शो किया है, दिस इज द एंटायर साइड और द इंटेस्टाइनल साइड। ये बी सब यूनिट हेल्प करेगा इस टॉक्सिन की बाइंड करने में विद गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टॉक्सिन का जो रिसेप्टर है दैट इज द गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर और GM1 रिसेप्टर। अब जब ये बाइंड कर गया इस रिसेप्टर के साथ, तो अब इसने इसकी एंडोसाइटोसिस होगी, और एंडोसाइटोसिस प्रोटीन मीडिएटेड हो सकती है। जो प्रोटीन्स हैं लाइक क्लैथरिन, ठीक है, वो इसकी एंडोसाइटोसिस में हेल्प आउट करेंगे। एंडोसाइटोसिस होती है, तो ये मैं अब दो सब यूनिट्स शो करने लगा हूँ, ए बी। आफ्टर एंडोसाइटोसिस ये दो बी जो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से डिटैच होते हैं, क्योंकि बी का जो मेन रोल था वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग था, इसका इंटेक था। जब इसका इंटेक हो गया तो रोल प्ले करना है सिर्फ और सिर्फ ए सब यूनिट। अब हमने ये कहा था कि जो ए सब यूनिट है उसके फर्दर दो डोमेन्स होती हैं, ए वन और ए टू, और उसमें से जो मेजर रोल प्ले करता है वो हमारे पास है ए वन डोमेन, दैट इज अ टॉक्सिक डोमेन। तो इसका इंटेक होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां इन दोनों डोमेन्स की ए वन और ए टू डोमेन्स की रिडक्शन होगी, ये जो डायसल्फाइड लिंकेज था इसकी रिडक्शन होगी। सो जब रिडक्शन हो जाएगी तो ये दोनों डोमेन्स एक दूसरे से क्या जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। सो ये ए सब यूनिट आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों डोमेन्स सेपरेट होंगे, ए वन और ए टू, ये दोनों सेपरेट होंगे। अब जो मेन रोल प्ले करना है वो हमारे पास कर रहे हैं ए वन सब यूनिट में कर रहे हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अच्छा पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, इसको यहाँ तक रिडक्शन तक स्टोर कर दें। नॉर्मली ये होता था कि जो जी प्रोटीन थी,
ठीक है, ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन थी, उसका जो अल्फा सिग्नल था वो एडेनाइलिन साइक्लेज पाथवे चला रहा था, ठीक है, वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। एडेनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ये एडेनाइलिन साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, साइक्लिक एटीपी में, राइट, साइक्लिक एटीपी में, जो साइक्लिक एटीपी है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। साइक्लिक एटीपी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम, ठीक है। जब प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट होता है तो काइनेज का फंक्शन क्या था, फॉस्फोरिलेशन करना, ये फॉस्फोरिलेट करेगा वेरियस प्रोटीन्स को, वेरियस एंजाइम्स को। बट यहाँ पर हमने जिस प्रोटीन पर फोकस करनी है दैट इज अ सी एफ टी आर, ये प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोरिलेशन करेगा सी एफ टी आर की, दैट स्टैंड फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। जब काइनेज फॉस्फोरिलेशन करता है, ये मैंने भी शो किया, और फॉस्फोरिलेशन करता है सीएफटीआर की, तो ये एक्टिव हो जाता है। और इसका मेजर रोल क्या होता है, इसका मेजर रोल होता है क्लोराइड का की जो ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल करना, ये क्लोराइड का इफ्लक्स करवाता है, ठीक है, ये क्लोराइड का इफ्लक्स करवाता है। अब सम केसेस में ये क्लोराइड का इन्फ्लक्स भी करवाता है, फॉर एग्जाम्पल इन द केसेज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, बट यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो इंटेस्टाइन पर है, तो यहाँ पर ये क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाता है। अब जब क्लोराइड इन्फ्लक्स होता है तो ऑफकोर्स क्या होगा, क्लोराइड अपने साथ वाटर को भी अट्रैक्ट कर जाता है, तो जो वाटर है वो भी ये यहाँ पर शुरू होगा, क्लोराइड के इन्फ्लक्स के बाद वाटर का भी इन्फ्लक्स होगा, और इसका पर्पस क्या है, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी आउटसाइड, क्योंकि देखिए ना सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन, क्लोराइड जब ल्यूमन में गया, सेल से बाहर गया, तो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास वाटर भी इन्फ्लक्स हो गया, ठीक है, ये था नॉर्मल सिचुएशन। अब जब कोलेरा टॉक्सिन आया, ठीक है, हमें डिस्कस करने के कोलेरा टॉक्सिन का इस नॉर्मल मैकेनिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो ए वन हमारे पास था, ए वन डोमेन थी एस एमिनट की, वो बेसिकली अब क्या करेगी, उसका मेन यहाँ पर हमने जो की वर्ड है उसका जो मेन रोल है दैट इज द एटीपी राइबोसिलेशन, क्या करेगी, एटीपी राइबोसिलेशन, राइट, ये एटीपी राइबोसिलेशन करेगी अल्फा सबयूनिट, अल्फा सबयूनिट जी प्रोटीन। अब उसका रोल क्या, एटीपी राइबोसिलेशन से होगा ये कि जो अल्फा सबयूनिट था वो अपने इफेक्टर्स पर एडेनाइलिन साइक्लेज पर एक्ट करता था, और आफ्टर सम टाइम्स जब सिग्नल रिमूव हो जाता था, हार्मोन रिमूव हो जाता था, तो वो भी डिटैच हो जाता था, ठीक है, और एडेनाइलिन साइक्लेज की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। बट ये एटीपी राइबोसिलेशन क्या करेगा, और इसकी एक्टिविटी स्टॉप की होती थी जीटीपीएस एक्टिविटी की वजह से, जो इसके साथ जीटीपी बाइंड होता था, हुआ था वो जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्फा सबयूनिट की एक्टिविटी खत्म हो जाती है जिससे वो डिटैच हो। बट ये एटीपी राइबोसिलेशन क्या करेगी, इसका रोल ये होगा कि ये जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ अल्फा सबयूनिट को इनहिबिट कर दे। जब जीटीपीएस एक्टिविटी इनहिबिट हो गई है तो ये जो अल्फा सबयूनिट है इसके साथ जो जीटीपी बाइंड किया हुआ था, दिस इज अल्फा सबयूनिट, इसके साथ जो जीटीपी बाइंड किया हुआ था वो जीटीपी ही रहेगा, वो जीटीपी में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि जीटीपीएस एक्टिविटी इनहिबिट करती है। सो जो ए वन डोमेन है उसका मेन रोल क्या होगा, उसका मेन रोल ये होगा कि ये अल्फा सबयूनिट की एटीपी राइबोसिलेशन करवाएगा। अब हम बात करते हैं कि एटीपी राइबोसिलेशन बेसिकली होती किसके थ्रू, ये होती है एनएडी प्लस। एनएडी के फर्दर अगर हम सभी प्लस देखें तो एटीपी राइबोस एनएडी, बट हमने एटीपी राइबोसिलेशन के लिए हमने सिर्फ इसके जो दो सबयूनिट्स हैं हमें उनसे सरकार, ठीक है, हमें सिर्फ इनसे फर्क है एटीपी और राइबोस। अब ये ए वन डोमेन जो कि मेन टॉक्सिक डोमेन है ये क्या करेगी, ये इस को बाइंड करेगी किसके साथ, इस अल्फा सबयूनिट के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर ऐसे शो कर, ये जो
फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। इसमें जीडीपी पॉइंट नहीं होगा, इसके साथ आपके क्या पॉइंट कट जाएगा, रोज भी पॉइंट कट जाएगा और एटीपी भी पॉइंट कट जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एटीपी रिबोसिलेशन ऑफ अल्फा सिग्नल। और उसका इंपैक्ट क्या होगा कि ये सिर्फ 89 साइक्लिन्स के साथ बाइंड करेगा, ये डिटैच है, ठीक है। अब ये अल्फा जो सब यूनिट था वो 89 साइक्लिन्स पर अपना इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा था, क्योंकि डिटैच ही हो रहा, पहले तो नॉर्मल ये था कि डिटैच हो रहा था, पर अब डिटैच ही नहीं हो रहा। तो डिटैच ही नहीं हो रहा तो 89 साइक्लिन्स कंटिन्यूस प्रोटेक्शन करेगी किसी भी साइक्लिन के एंटी, जो इंट्रासेलुलर साइक्लिन के एंटी है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब साइक्लिन एंटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई सो उसने इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया प्रोटीन काइनेज के एंटी, ठीक है। यानी अनस्टॉपेबल प्रोटेक्शन ऑफ साइक्लिन एंटी की वजह से प्रोटीन काइनेज ए पर अपना उसका जो इम्पैक्ट था वो बढ़ता चला। जब प्रोटीन काइनेज ए पर इन्फ्लुएंस था वो अनस्टॉपेबल हुआ तो उसने अनस्टॉपेबल फॉस्फोरिलेशन की किसकी, CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेंब्रेन रेगुलेटर। पहले नॉर्मल सिचुएशन में क्या था कि थोड़ा बहुत क्लोराइड पाए जाता था, क्लोराइड आयंस पाए जाते थे, बट अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि ये कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे पास अनलिमिटेड क्लोराइड आयंस बाहर मूव कर, ठीक है। यानी मोर देन यूजुअल हमारे पास क्लोराइड आयंस मूव कर, अब मोर देन यूजुअल क्लोराइड आयंस मूव करने की वजह से मोर देन यूजुअल वाटर मूव कर, ठीक है। वाटर का इन्फ्लुएंस अब कह रहे हैं वो भी बढ़ गया। जब वाटर का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है तो ऑफ कोर्स हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डायरिया कहते हैं। सो इन दिस केस ये हमने इसको डिस्कस किया कि डायरिया कैसे कॉज होता है। तो मेन थिंग जो कि इसमें होल टॉपिक में है, दैट इज द एटीपी रिबोसिलेशन। एटीपी रिबोसिलेशन का सोर्स क्या बना, एनएटी, ठीक है। और जो A1 डोमेन थी, जो टॉक्सिक डोमेन थी, उसने इस सब यूनिट को बाइंड कर दिया अल्फा सब यूनिट के साथ। अल्फा सब यूनिट के साथ जब बाइंड हुआ तो इसके ये डिटैच हो सकता, अब ये डिटैच नहीं होगा 89 साइक्लिन से। जब ये डिटैच नहीं होगा तो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन होगी साइक्लिन की एमपी की और सारा प्रोसीजर चलता जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि क्लोराइड का मोर देन यूजुअल इन्फ्लक्स होने की वजह से वाटर का इन्फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एंड दिस सीवियर डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड डायरिया। थैंक यू।